इट्स मिनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही होंगी, बट इट्स नॉट ट्रू। मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम ऑल राइट। इट्स जस्ट दैट कि आज मुझे हेयर वॉश करना था और मैंने करानी हो हेयर और एक ग्रीसी, बट बिकॉज ऑफ आज एकाची, हमारे घर पर एकाची पे हेयर वॉश नहीं होता है, सो इसीलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। बट आई हैव अ लॉन्ग डे, काफ़ी कुछ शूट करना है और आज हेड वॉश भी नहीं कर सकते हैं, सो हमें कुछ हैक अपनाना पड़ेगा। सो एनी वेज, कमिंग टू दिस वीडियो, सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्यू एंड ए वीडियो फॉर यू ऑल टुडे। आज मैं आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग से इन द सेंस ऑनेस्ट जवाब देने वाली हूँ। सो मैंने पहले भी क्यू एंड ए वीडियो करा हुआ है अपने चैनल पर, अगर आप नहीं देख रहे हो तो ऊपर ये वीडियो आ रहा होगा, देख लेना। इसमें बहुत ही बेसिक और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अबाउट मी, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी थ्रू दैट वीडियो। और इस वीडियो में मैं बहुत ही, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना चाहती हूँ एक वीडियो में। सो आज हम करने वाले हैं मेकअप। सो इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग डूइंग माई मेकअप आई एम गोना क्विकली, सो मैं सबसे पहले अपने ये हेयर टाई कर लेती हूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं साथ साथ देती जाऊँगी एंड आई पुट द क्वेश्चन टैग है। ओके सो गाइज, फॉर डूइंग माई बेस सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर, क्योंकि अभी बारिश वगैरह तो हो रही है बट स्टिल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो गाइज, मैं ये मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ ऑन माई फेस और मैं बहुत ज़्यादा भारी भर के मेकअप नहीं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट गाइज, मैं यूज़ करूँगी रियो हर्ब्स का ये SPF 50 स्प्रे, क्योंकि सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अभी मैं आजकल ये SPF स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और ये यूज़ करना बहुत ईजी है, उसकी स्मेल बहुत अमेजिंग है। आप किसी सैलून या उसमें जाते हो ना, स्टूडियो में या किसी बहुत बड़े मतलब उसमें जहाँ पे बालों वगैरह केमिकल्स वगैरह काम होता है, तो मुझे वो स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो वैसी ही स्मेल इसमें आती है, तो आई लाइक दिस। गाइज, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग इन योर फ्री टाइम। सो गाइज, सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। ओके सो व्हाट आई डू इन माय फ्री टाइम, तो मोस्टली मेरा टाइम जो होता है फ्री वाला, मेरे पास फ्री टाइम में आई यूज़ टू वॉच वेब सीरीज़ या कुछ भी ऐसा यू नो कोई भी कंटेंट देख लेती हूँ मैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना फ्री टाइम में मैं अपना कंटेंट प्लान करती हूँ, या फिर आई वॉच वीडियोज़ ऑफ अदर्स, मतलब कि क्या आगे चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वैसे मतलब जो मेजरली लोग करते हैं। बाकी बचपन में आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्री टाइम में, बट नाउ इतना ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो मैं अपने फ्री टाइम में मोस्टली क्या कर रही होती हूँ, मैं कंटेंट प्लान कर रही होती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हूँ, मैं बहुत सारे वेब शोज़ देखती हूँ और मैं रियलिटी शोज़ भी देखती हूँ। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब रियलिटी शोज़ कौन देखता है, बट आई डू वॉच, मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। सो यस, अभी मैं पहले कंसीलर लगा लेती हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। गाइस, मैंने फेसेस कैनेडा स्विस ब्यूटी का कंसीलर एक्चुअली मिक्स करा है। सो गाइस, मेरा कंसीलर हो गया है डन, सारा पिगमेंटेड एरिया मैंने लॉक कर लिया है। मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और मेरी स्किन बहुत ब्रेकआउट कर रही है सी यहाँ पर और यहाँ पर, सो आई एम अवॉइडिंग दैट। सो बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ दिस द ग्लो रिचुअल्स का बीट रूट का लिप एंड चीक टिंट। ये बहुत ही एक नेचुरल रहता है और मेरे स्किन पर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसको ले रही हूँ इन दिस प्ल्यूम का P03 ब्रश और आई एम गोना डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर फुल नेम, वेयर डू यू लिव एंड योर सिबलिंग्स। ओके सो देयर इज दिस कन्फ्यूजन जो कि मैंने ही क्रिएट करा है पता नहीं क्यों। एक्चुअली माई ऑफिशियल नेम इज़ प्रज्ञा, बहुत सारे लोग मुझे प्रज्ञा नाम से फॉलो जानते हैं, प्रज्ञा नाम से फॉलो करते हैं, बट माई निक नेम इज़ मिनी जो कि घर पर सब बुलाते थे। और इसी वजह से मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था बैक इन 2019 जुलाई में, तो ज़्यादा लग गया लग रहा है बातें करते करते, मिनी नाम से स्टार्ट किया था एंड मुझे लगता है कि मेरे मिनी नाम से मेरे को ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे मतलब ऐसा पर्सनली फील होता है और इसलिए मैंने अपना मिनी से, मिनी शर्मा इज़ माय निकनेम और प्रज्ञा शर्मा इज़ माय ऑफिशियल नेम, बट आई डोंट लाइक द प्रज्ञा नेम या जो भी है वो मैंने रखा था बचपन में,
और मुझे मिनी नाम काफ़ी ज़्यादा क्यूट और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मिनी अपना नाम ज़्यादा हर जगह रखती हूँ। तो आप भी मुझे मिनी नाम से ही जानो। और बाकी किसी प्रज्ञा नाम, अगर इफ़ यू आर समवन हु आर वॉचिंग कोई भी प्रज्ञा नाम की, तो मुझे प्रज्ञा नाम भी अच्छा लगता है, उसका मीनिंग बहुत अच्छा है, दैट इज़ नॉलेज। और बाकी का मिनी शर्मा इज़ माई नेम। नेक्स्ट इज़ वेयर डू यू लिव। सो आई लिव इन बरेली और दैट्स माई होम टाउन। एंड तीसरा क्वेश्चन है योर सिबलिंग्स। ओके, सो आई हैव टू सिबलिंग्स। एक मेरा छोटा भाई है और वो वीडियोज़ में बहुत ही कम आता है बिकॉज ही इज़ कैमरा शाय, बट वेरी सून आई विल ब्रिंग हिम ऑन माई चैनल। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि वो मेरे साथ वीडियोज़ में आए, मैंने उसमें वीडियो फिल्म करने के लिए कई बार बोला है, बट ही इज़ कैमरा शाय या कुछ भी समझ लो, नर्वस हो जाता है वो, तो इसलिए वो नहीं आता। बट अगर आप चाहते हो उसको देखना तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और बाकी आई हैव माई एल्डर सिस्टर जो कि आप अपने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखी होगी। सो या, एक बहन है एंड एक भाई है, हाँ, और मैं बीच की हूँ। सो गाइज, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द आईज। सो आईज के लिए मैं यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, हुडा की न्यूड पैलेट। बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है ये और इसमें मोस्टली सारे कलर्स होते हैं न्यूड वॉर्म शेप के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको ले रही हूँ। आई एम यूजिंग द शेड सीक्रेट और उसके बाद हम मूव करेंगे टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेव शेड और इसको मैं लगाऊंगी और मैं लिप्स टेक वर्क का स्केच लाइनर लगा रही हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं किया है। सो आई एम गोना मेक अ विंग। गाइस, मेरा आईलाइनर मैंने बैक कैम में लगाया था बिकॉज विंग खराब हो जाता है और आईज पे कुछ खराब हो तो सही करना वेरी डिफिकल्ट। सो आई एम गोना यूज़ दिस थिंग एंड गोना कर्ल माई लैशेज। सो आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। तो बाय फार कुछ बहुत ज़्यादा बिगेस्ट अचीवमेंट जैसा तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ों में मैं अच्छी चीज़ देखूँ तो कई सारी चीज़ें ऐसे। बिगेस्ट अचीवमेंट बाय बींग रिकग्नाइज बाय अ स्ट्रेंजर। सो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ अचीवमेंट ऐसा नहीं, मैंने कोई चीज़ खरीद ली या कुछ ऐसा, मेरे लिए अचीवमेंट ऐसा है कि जो मैंने कभी नहीं सोचा था, लाइक इट्स अ ड्रीम, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं कभी सोचती हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए या अच्छा लगेगा या कुछ भी, वो हो जाए, वो भी अनएक्सपेक्टेड। सो आई थिंक दैट्स अचीवमेंट फॉर मी। और बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ एक बार शेयर भी किया था पुराने वीडियोस में, और अब तो लाइक इट्स वेरी कॉमन, तो अभी हो जाता है ऐसा कई बार, यू पीपल कम टू मी और कोई भी ऐसे मतलब एकदम स्ट्रेंजर जो टू हुम आई डोंट नो एब्सोल्यूटली नथिंग अबाउट देम और दे कम टू मी कि आई वॉच योर वीडियोज एंड ऐसे ही कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले मुझे लगता था कि मेरे वीडियोस जो हैं मेरे आसपास के लोग देखते हैं या जो मुझे जानते हैं या फिर यू नो थोड़ा बहुत भी जिनसे मेरा कनेक्शन है, नेटवर्क है, बट नाउ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नए हैं मेरे चैनल पे एंड दे डोंट नो मी एट ऑल, और चैनल पे आके दे स्टार्टेड नोइंग मी और मैं उनको नहीं जानती हूँ। सो या, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी अभी तक। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ क्योंकि मैंने हाथ में आ जाएगी लशेज मेरे। नेक्स्ट आई एम गोना डू द हाईलाइटर। मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, जस्ट माई बेयर स्किन बिकॉज आई एम ब्रेकिंग आउट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वालिफिकेशंस। ओके, सो आई एम मैंने कई सारी चीज़ें करी हैं अगर आप लोग जानना चाहोगे तो। ट्वेल्थ के आई ऑप्टेड कॉमर्स इन ट्वेल्थ एंड उसके बाद मैंने कई सारी चीज़ें करी हैं। आई डिड माई फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स और मैंने और भी चीज़ें करी हैं, मैं भूल रही हूँ। ओके, सो आई डिड माई फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स और मैंने मेकअप आर्टिस्ट का किया है कोर्स। देन मैंने और क्या किया, हाँ मैंने ट्रिपल सी का कोर्स किया है एंड येस आई एम अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट। लुकिंग फॉरवर्ड टू डू माई एम बी ए दिस ईयर। सो एक सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया, बट एनी वेज कुछ ऐसा कुछ ऐसे सीक्रेट नहीं है बहुत बड़ा। सो आई विल बी डूइंग माई एम बी ए दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर। सो या, दैट्स दीज ऑल आर माई क्वालिफिकेशंस। ब्रिक हाईलाइटर है और मैंने अभी देखा कि मेरे वैनिटी में ही काफ़ी टाइम से रखा हुआ है और मैंने इसको देखा ही नहीं है कि मेरे पास ये है। सो आई एम गोना यूज़ दिस आज फॉर माई हाईलाइटिंग। Look at that. मुझे लग रहा है थोड़ी ब्राउनिंग की भी नीड है। ओके, सो गाइस सब कुछ हो गया डन, लिपस्टिक इज लेफ्ट। ओ आई एम डूइंग अगेन मेबेलिन सेंसेशनल, ये मेरी फॉरएवर फेवरेट है,
तो मैं यही करने वाला, उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फर्स्ट ड्रीम इन योर चाइल्डहुड. सो जब मैं छोटी थी सो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, एक्चुअली इट्स एन आयरनी या कुछ भी समझ लो, वो कहते हैं कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ समझ लो. जब मैं छोटी थी ना तो मैं और दीदी हम लोग ऐसे मेकअप और इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी खेलते थे. सो मेरा यही ड्रीम था कि मैं हमेशा कुछ भी ऐसा करूँ आगे, या बचपन में भी मैं मम्मा का अपना मेकअप ले लेती थी, या जो भी घर पे कजन्स वगैरह थे उनका मेकअप वगैरह लेके आई यूज टू प्ले गेम्स और ये सब चीज़ें, तो मुझे बहुत मज़ा आता था. मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे मेकअप के अराउंड ही रहना है और मेकअप इज़ द लाइफ. सो मैं ये भी लगा देती वो भी लगा देती, आई यूज़ टू पुट ऑन सो मच ऑफ मेकअप, सो मच ऑफ ब्लशर, मेरी बहुत डर पड़ती थी. और मैं छुपा छुपा के सामान रखती थी अपना कि कोई देख लेगा तो मुझे ले लेगा. सो आई थिंक मेरा ड्रीम जो था चाइल्डहुड का वो सिर्फ यही था कि मैं मेकअप के अराउंड रहूँ, समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी पार्लर या कुछ भी ऐसा. मतलब बचपन में ये सब चीज़ें कहाँ इतना पता होती है. एंड आयरनी इज़ टुडे आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, टच वुड. एंड या दैट वॉज माई ड्रीम. सो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ. सो गाइज दिस इज द लिप कलर. फिर से अगेन ये कैमरे पर अजीब लग रहा है. आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कर दिया है. एंड ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा, आपको वैसे चीज़ें पता चली होंगी मेरे बारे में. और बिकॉज मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि बोर नहीं करना है आप लोगों को. एंड ऑल्सो माई लुक इज़ कम्प्लीट, सो आई एम गोना रैप अप दिस वीडियो राइट हेयर. सो आई थिंक आपको बहुत से स्नीक पिक मिले होंगे इस वीडियो से. और या अब मैं जल्दी से लैशेज लगा लेती हूँ पहले, फिर मैं एंड करूँगी इस वीडियो को. ओके सो गाइस मैंने लैशेज लगा लिए हैं, एज यू कैन सी. नाउ आई एम गोना जस्ट क्विकली डू माई हेयर एंड विल कम बैक टू यू गाइज. सो वेरी मच. ओके सो गाइज मैंने इयर रिंग्स डाल लिए हैं एंड चेन्स मैंने ऑलरेडी पहनी हुई थी एंड मैंने अपने हेयर कॉम कर लिए हैं. सो या दैट्स द लुक एंड नाउ आई एम गोना शूट आगे की वीडियोज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो ऐसे ही और स्नीक पीक इनसाइड माय लाइफ अगर ऐसे वीडियोस चाहते हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी ये वीडियो में कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और एक्सपेक्टेड नहीं था मुझसे, या आपने कुछ ऐसा मुझे लगा था कि यार इसका आंसर ये नहीं देगी वो देगी, कैसा भी था प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई रियली विश इस बर्थडे से पहले जो मेरा बर्थडे आने वाला है. एंड इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर माई बर्थडे. लेट्स सी, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दे नो माई बर्थडे. सो लेट मी सी कितने लोगों को मेरा बर्थडे पता है. एंड यस मैं आई वॉज सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बर्थडे से पहले या दिसंबर तक इस एंड के 1K हो जाए. मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ बट 1K तो एटलीस्ट बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स से हम लेफ्ट हैं. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड या आई विल सी यू ऑल माई नेक्स्ट वन. और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिया करो क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाला है. फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय.